हाँ जी, सिंह डॉक्यूमेंट पॉइंट वेख रहे यूट्यूब चैनल पर सारे दर्शकों का फिर तो असी अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। सो अज की वीडियो असं तुम दसन जा रहे हैं कि बहुत सारे वीर ने सानू कमेंट वगैरह किए थे कि सानू NOC कढ़वाने लिए 28 नंबर भरना सिखाओ, तो असं इस वीडियो में तुम्हें 28 नंबर फार्म ही भरना सिखावे। लास्ट में तुम डॉक्यूमेंट भी दस देंगे कि लगने। चलो करते हैं वीडियो स्टार्ट। जिवें तुम स्क्रीन पर देख रहे हो कि 28 नंबर फार्म इस तरह का होंगे वै। ये फार्म का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन भी दे दाँगा, तुम उतों ही डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी, सब तो पहला सूँ इतने लिखना पवेगा कि इतने मान लो जो थोड़ी दिल्ली की गड्डी जिस भी RTO रजिस्टर्ड हैगी RTO नेम लिख सकते है, वो RTO कोड भी लिख सकते हो, DL2 DL3 जो भी है। उस तो बाद आ जाता साढ़े को मतलब किसी भी इन्हें पंजाब की NOC कटवानी होंगी है, तो वो अपने जिस भी RTO की मान लो गुरदासपुर की कटवानी है, बटाले की कटवानी है, तो अपने गुरदासपुर PB06 बटाले की PB018 करा के इतने जो मैनशन कर सकता है वा। ठीक है जी, उस तो बाद आ जाता है वा सैकेंड नंबर पर। उस तो बाद जे उस तो बाद आऊगा कि उस बंदे का नाम की है वा, मान लो कोई भी बंदे का नाम मान लो है वा। ठीक है जी, कोई भी थर्ड परसन का जो भी नाम होंदा है, जो भी अपना नाम फिल कर देगा। ठीक है, नाम फिल करने तो बाद एक चीज़ दे विच होर हैगी आ कि जिवें कि सेम बंदा हुंदा मान लो दिल्ली का बंदा सी हुण पंजाब दे विच रह रिहा, जां पंजाब का बंदा दिल्ली शिफ्ट हो रहा जां होर किते शिफ्ट हो रहा जिथे भी हो रहा, वो अपना इत्थे सेम ही नेम रखेगा। ठीक है, जो अपने डॉक्यूमेंटा जो उसका नाम तो ओनर हैगा वो अपना खुद ही नेम सेम रखेगा NOC सिर्फ भाई NOC कढ़वाण वास्ते। ठीक है जी, ज़्यादा दे विच कुछ नहीं लिखेगा, कुछ तीसरे बंदे का नाम नहीं लिखेगा जी, वो अपनी सिर्फ स्टेट ही चेंज कर रहा। ठीक है, अपने अथॉरिटी ही चेंज कर रहा, ट्रांसफर नहीं अगे किसी कर रहा, तो जे किसी थर्ड बंदे ट्रांसफर कर रहा तो फिर उत्थे उसका नाम लिखा जाएगा। ठीक है जी, उस तो बाद फिर वह RTO का नेम आ जाएगा कि किस अथॉरिटी ले जा रही है वो। ठीक है जी, इतने फिर सानू अथॉरिटी का नाम लिखना पैंता है वा। उस तो बाद स्टेट इतने वो स्टेट भी लिखनी पवेगी। ठीक है जी, जिहड़ा बंदा NOC जिहदे नाम ते कट हो रही है उहदी इत्थे स्टेट भी लिखनी पवेगी। ठीक है जी, उस तो बाद थले चलते हैं नेम एंड एड्रैस। इत्थे तुसीं ओनर का नेम तो उहदा फुल एड्रैस जिहड़ा जो भी RTO उत्ते हैगा वो मैनशन तुसीं इत्थे कर देना हैगा वा। जिवें सेम टू सेम उहदा RTO उत्ते नाम हैगा वा, जो उहदा एड्रैस हैगा वा, सारा ही तुसीं इत्थे मैनशन जिहड़ा कर देना हैगा वा कि बाद दे विच तुहानूं कोई प्रॉब्लम ना आवे। ठीक है जी, इस ते तुसीं उहदे फादर का नेम फिल कर देना हैगा वा। ठीक है जी, फादर का नेम फिल करन तो बाद तुसीं इत्थे तीसरे नंबर पर जिहड़ा आ जाता वा वो गड्डी का नंबर जिहड़ा तुसीं वो फिल कर देना हुंदा वा, गड्डी नंबर तुसीं इत्थे फिल कर देना हैगा तीसरे नंबर पर। ठीक है जी, उस तो बाद चौथे नंबर पर तुसीं LNB कार है, LNB कोई जी मोटरसाइकिल हैगा, जो भी हैगा वा, तुसीं सारी डिटेल तुहानूं RTO तो मिल जाएगी। ठीक है जी, हुण इत्थों आ जाता रजिस्टर अथॉरिटी विद, मतलब कि ये एक्चुअल किस RTO दे विच हैगी इस टाइम रजिस्टर्ड हैगी। ठीक है जी, तुसीं इत्थे उस RTO दा नाम भर देना हैगा जिथे रजिस्टर्ड हैगी इस टाइम। ठीक है जी, उस तो बाद तुसीं छेवें नंबर पर जिहड़ा वा तुसीं उहदा इंजन नंबर जिहड़ा तुसीं फिल कर दोगे। ठीक है जी, इंजन नंबर फिल करन तों बाद तुसीं पूरा ही इंजन नंबर जो भी RTO उत्ते हैगा तुसीं फिल कर देना हैगा वा। ठीक है जी, उस तो बाद तुसीं 7 नंबर ते तुसीं देख सकते हैगे हो कि 7 नंबर ते 86 नंबर जिहड़ा तुसीं मैनशन जिहड़ा कर देना हैगा वा। ठीक है जी, हुण तुसीं इहदे विच देखना कि पीरियड ऑफ स्टे इन द स्टेट। ठीक है, किहड़ी स्टेट दे विच उह इस टाइम स्टे हैगी, मतलब किहड़ी स्टेट दे विच उहने स्टे कीता होया गड्डी ने, तुसीं इत्थे उह मैनशन कर देना हैगा वा जिहड़ी भी स्टेट दे विच इस टाइम गड्डी हैगी आ। ठीक है जी, वो करन तों बाद तुसीं इत्थे पीरियड ऑफ मतलब कि टैक्स तुसीं किहड़ा पे करदे हैगे हो, जिहड़ी LNB कार हुंदी आ अपने प्राइवेट कार हुंदी उहनां दा 1 time ही टैक्स जिहड़ा पे हुंदा हैगा वा, दूसरियां दा बाकी टैक्स दे अकॉर्डिंग ही हुंदा हैगा वा, पर जिहड़ी परसनल कार हुंदी उहदा 1 time ही काम जिहड़ा हुंदा मतलब कि टैक्स जिहड़ा पे हुंदा हैगा, तुसीं इत्थे 1 time लिख सकदे हैगे हो। ठीक है जी, बाकी तुसीं इन्हां नूं तुसीं ब्लैंक छड्ड दे सकते हैगे हो, तुसीं इन्हां नूं ब्लैंक मतलब कि ब्लैंक ही छड्ड देना तुसीं इहदे विच, मतलब कि एक लकीर वगैरह जिहड़ी असीं पंजाबी दे विच कहिंदा वो असीं लकीर जिहड़ी मैनशन कर देवांगे, मतलब कि जिद्दां
ਖਾਲੀ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, 11 ਨੰਬਰ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ 86 ਨੰਬਰ ਟਰੇਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੂਸਰਾ ਪੇਜ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਦੋ ਪੇਜ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ 12 ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਂਕ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਰਨ ਦੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਂਕ ਹੀ ਛੱਡਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 13 ਨੰਬਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਂਕ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 14 ਨੰਬਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਂਕ ਹੀ ਛੱਡਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ 14 ਨੰਬਰ ਬਲੈਂਕ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਡੇਟ ਪਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਓਨਰ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਓਗੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਪਾ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਡੇਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਓਨਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਓਨਰ ਦੇ ਹੀ ਕਰਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਓਨਰ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਰਟ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਨ 'ਤੇ ਹੈਗਾ ਸੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਨ 'ਤੇ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ NOC ਨਹੀਂ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿਗਨੇਚਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ। ਫਾਈਨੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਗੀ, ਨੋ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ NOC ਖੜਨੀ ਹੈਗੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਹ ਬਾਈ ਦੇ ਲੋਨ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਿਗਨੇਚਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਨ ਨੰਬਰ ਲੈਨ ਨੰਬਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਂਪ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੇਟ ਵਗੈਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਵਾ ਲੈਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ RTO ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਟ ਪੇਜ। ਬਾਕੀ ਇੰਨਾ ਸੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 28 ਨੰਬਰ ਫਾਰਮ ਕਿਵੇਂ ਭਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, 86 ਟਰੇਸ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬੂਥ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਅਤੇ NOC ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਸਿਰਫ ਘੱਟ ਹੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ NOC ਕਿਵੇਂ ਅਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਬੋਕਸ ਜ਼ਰੂਰ, ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ, ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।